ये देखिए दोस्तों, आज हमने ब्रेड का इजी टेस्टी और हेल्दी नाश्ता बनाकर रेडी किया है। ये नाश्ता बच्चे बड़े सबको बहुत पसंद आएगा। ये बिल्कुल नए और तरीके का नाश्ता और बनाना भी इसको बहुत आसान है, बहुत कम सामान में बनकर रेडी हो जाता है। तो देर किस बात की, अरे ये चलिए ब्रेड का नया नाश्ता बनाना। फ्रेंड्स, बच्चों की छुट्टियाँ शुरू हो गई हैं, बच्चों को रोज रोज कुछ ना कुछ नया नया बनाकर खिलाना होता है, क्योंकि बच्चे घर पे होते हैं और बड़े भी हो, हम सबको बनाने में बहुत दिक्कत होती है। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए ब्रेड से बिल्कुल नया आसान और हेल्दी नाश्ता लेके आए। इसके लिए मैंने ये 6 पीस ब्रेड लिए हैं, ये थोड़ा सा दही लिया है और मैंने ये 2 आलू लिए हैं और ये कोकोनट पाउडर लिया है, मूंगफली के दाने लिए और थोड़ी सी किशमिश ली है। इसमें से कोई भी 4 चीज़ अगर आप नहीं पसंद करते हो या आपको दिक्कत हो रही हो यूज़ करने में, तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें पूरी तरह से ऑप्शनल है। आइए चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने जो ये 2 आलू लिए हैं, इन आलुओं को अच्छे से हम फोर्क की हेल्प से क्रश कर लेंगे। आलू को हमने अच्छे से क्रश कर लिया। अब इसके अंदर हम टेस्ट अकॉर्डिंग नमक डालेंगे। थोड़ा सा जीरा पाउडर डालेंगे, 5 सेकंड हल्का सा नमक डालेंगे और ये आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा ऑरेगानो डालेंगे और हल्का सा चिली फ्लेक्स बना रहे हैं, क्योंकि बच्चे हमारे मिर्च नहीं खाते, इसलिए हम इसको ज़्यादा चटपटा नहीं बनाएंगे। आप चाहें तो इसमें को ज़्यादा चटपटा भी बना सकते। अब हम इसको साइड में रखेंगे और हमने जो ये ब्रेड के पीसेस लिए हैं, ब्रेड के पीसेस लिए, उसको हम इस तरीके से कट करके रेडी कर लेंगे। इसके एजेस हम साइड में रख देंगे। इस तरीके से हम सारे पीसेस कट कर रेडी काट। गैस पे हमने तवा चढ़ा दिया है, ब्रश की हेल्प से हम इसमें हल्का सा हमने देसी घी लगा दिया है और जो ये हमने आलू का मैश रेडी किया है उसको इस तरीके से पतला पतला पतली पतली लेयर में लगाकर इसको सारा नाश्ता सेक कर हम इस तरीके से रेडी करेंगे। इस तरीके से जो भी पीस हमने काट कर हमने इस तरीके से सिकने के लिए छोड़ दिया था। अब हमने जो दही लिए उसको अच्छे से फेंट लेंगे और इसके अंदर हम टेस्ट अकॉर्डिंग नमक डालेंगे और इसको भी अच्छे से मिक्स करने नहीं लिया है। दही की कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, ना बहुत पतली है ना बहुत गाढ़ी है। और जो हमने अब ब्रेड लिए उसको इस तरीके से ब्रेड के ऊपर दही हम ऊपर से लगा देंगे, चारों पीसों में इस तरीके से हम दही लगा देंगे। हमने इसको गोल शेप में बनाया है, आप चाहे तो स्क्वायर में भी आप बनाकर रेडी कर सकते हैं। अब हम इसको लीड लगाकर ढक के पकने के लिए छोड़ देंगे। जब तक हमारा नाश्ता बन रहा है तब तक हम एक तड़का बनाकर रेडी करते हैं। ये देखिए, हमने थोड़े से मूंगफली के दाने लिए, थोड़ी सी किशमिश लिए और थोड़े से हम इसके अंदर सरसों के दाने डाल देंगे और इसको अच्छे से भून कर रेडी कर लेंगे और गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। फ्रेंड्स, ये हमारी भुनी हुई मूंगफली थी, इसको सिर्फ हमने क्रश करके लिया है। अब हम इसके अंदर, ये हमारे दोनों तीनों चीजें भुन गई, अब हम इसके अंदर थोड़ा सा कोकोनट पाउडर भी डाल देंगे और इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए, नाश्ता हमारा अच्छे से सीख गया है, तड़का हमने बनाकर रेडी कर लिया है। ये देखिए, हम आपको दिखाते हैं कि हमारी टिक्की, तभी हम आपको पलट के दिखाते हैं। ये देखिए, हम आपको पलट के दिखाते हैं कि हमारी उप टिक्की कितनी अच्छी सीकर रेडी हुई है और अब हम इसको प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे सारा नाश्ता। ये देखिए, नाश्ते को हमने प्लेट में
निकाल लिया है। ये एजेस हम फेंकेंगे नहीं, इसको हम किसी और यूज में स्नैक्स बनाने में यूज कर लेंगे। इसको हम साइड में रख देंगे और जो ये हमने तड़का बना के रखा है उसको इसके ऊपर इस तरीके से डेकोरेट कर देंगे, गार्निशिंग कर देंगे। ये देखिए हमारा नाश्ता, अभी हम आपको इसको कट करके दिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने अपना नाश्ता प्लेट में सर्व कर लिया। अब हम आपको इसको कट करके दिखाते हैं कि हमारा नाश्ता कितना सॉफ्ट बनकर रेडी हुआ। ये देखिए फ्रेंड्स। और हाँ फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस और वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। हम आपको इसको एक दूसरी शेप का भी बनाकर दिखाते हैं। फ्रेंड्स, हम अपना वीडियो फेसबुक पर भी डालते हैं, वहाँ पर भी जाकर आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। आप चाहें तो राउंड शेप कट करके बनाकर रेडी कर सकते हैं। ये देखिए हमने स्क्वायर पीस में लगाया, इसको इस तरीके से तवे पे सिकने के लिए छोड़ देंगे और ऊपर से हम दही जो हमने उस रिंग वाले गोल कट के नाश्ते में लगा करा था उसी तरीके से हम इसमें भी दही ऊपर से डाल देंगे और इसको ढक के पकने के लिए छोड़ देंगे। फ्रेंड्स, आप चाहें तो इस तरीके से कट करके बना सकते हैं। अगर आपको कन्वीनियंट ना हो तो आप इस तरीके से भी बनाकर इस नाश्ते को रेडी कर सकते हैं। अब इसको भी लिड लगाकर ढककर पकने के लिए छोड़ देंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।